हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। अगर आपका एक सपना है कि आप सीसीएल जैसी संस्था में वर्क करना चाहते हैं, आप वहां से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग पता करने वाले हैं कि आखिर कौन सा ये वैकेंसी आया हुआ है, क्या इसके डिटेल्स हैं, किस तरीके से आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पता करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बात करते हैं सीसीएल में आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में। सीसीएल ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें उसने बताया है कि वो इस बार अप्रेंटिसशिप वर्क लेकर आया हुआ है, और किन के लिए लेकर आया है, तो ट्रेड टेक्नीशियन या ट्रेड अप्रेंटिस के लिए लेकर आया है। और जिसमें ट्रेड की बात करूं तो बहुत सारे इसमें ट्रेड दिए गए हैं, लगभग हर ट्रेड से यहां पर अप्रेंटिस वर्क है। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कोपा, डीजल मैकेनिक, टर्नर, इस तरीके से यहां पर बहुत सारे अलग अलग इसमें ट्रेड दिए गए हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन 10th और साथ ही साथ आपको ITI किया होना भी जरूरी है। कुछ अप्रेंटिस वर्क के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन होना भी जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है। सो मैक्सिमम एज लिमिट जो है 32 इयर्स है, लेकिन जो अलग अलग कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें एज का जो रिलैक्सेशन है वो भी दिया गया है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन मोड है, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है, जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे देन आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका सिलेक्शन इन पे कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि इसमें सेलेक्ट होने के बाद जो आपको स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये अलग 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 ट्रेड के लिए अलग अलग होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं एक कॉमन, तो 7,000 to 9,000 रुपीज पर मंथ के बीच आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो इसका ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का है, लेकिन कुछ ट्रेड के लिए इसमें 2 साल का भी अप्रेंटिस वर्क रखा गया है, इस बात का आप ध्यान रखना और इसे जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो इसे ध्यान दीजिए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।